हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है एक और न्यू वीडियो। अभी मैं हूं गंगोत्री में और आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूं गंगोत्री के आसपास के जितने भी साइट सीन हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं जा रहा हूं पांडु गुफा की तरफ में और ये जो ट्रैक है करीब 2 किलोमीटर का ट्रैक है और इसी ट्रैक पे आपको मिलेगा सूर्य कुंड और गौरी कुंड। साथ में जो रिवर आप देख रहे हो ये है केदार रिवर, जो कि आगे जाकर मिल जाती है गंगा में, जिसे भागीरथी भी कहते हैं। अभी हम आ चुके हैं केदार ब्रिज पे, जिसके हाइट है 25 मीटर और ये देख सकते हैं पहाड़ों से आती है केदार रिवर। और अभी हम जा रहे हैं इस ब्रिज को क्रॉस करके पांडव गुफा की तरफ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सूर्य कुंड। तो ये है सूर्य कुंड। सबसे पहले जब भी सूरज की किरणें यहाँ पर गिरती हैं तो इस पुल में रेनबो बन जाता है। अभी वीडियो में मैं आप लोगों को अच्छे से नहीं दिखा पा रहा क्योंकि मेरा कैमरा जूम नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जब भी पानी गिरता है तो रेनबो बनता है। और एक और मान्यता है कि शिव जी यहाँ पर जो भागीरथी नदी है उसको वेग को कंट्रोल करते हैं, तो इस वजह से आगे जो भागीरथी का वेग है बहुत कम हो जाता है। तो चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। तो अभी ये रास्ता जो ऊपर के वाला रास्ता है ये जाता है पांडव गुफा की तरफ और अभी हम पहुँच गए हैं गौरी कुंड। गौरी कुंड हमें जाना पड़ेगा नीचे की साइड में, तो थोड़ा सा मेन रास्ते से थोड़ा सा नीचे की साइड हमें गौरी कुंड। तो आप देख सकते हैं ये है गौरी कुंड और गणेश गुफा, जिसे स्वामी गुरुदेवानंद सरस्वती भी कहा जाता है। तो साइड में जो एक आश्रम है उसी का नाम है देवानंद आश्रम, और वो सामने देख सकते हो वो है गौरी कुंड, जहाँ पर गौरी माँ ने स्नान किया था। काफ़ी खाई है यहाँ से, तो गिरोगे तो सीधे नदी के अंदर ही जाओगे। तो आओ तो देखना चाहते हो थोड़ा संभल के देखो यार, ये देख सकते हो हम ज़्यादा आगे नहीं गए। और ऐसा रास्ता है पांडव गुफा की तरफ, ये जंगलों से होते हुए जाना पड़ेगा और रास्ते में आपको एक लैंडस्लाइड वाला एरिया भी मिलेगा, तो थोड़ा वहाँ पे आपको संभल के चलना होगा क्योंकि वहाँ से ऊपर पत्थर गिरते रहते हैं। तो और यहाँ से जो व्यू है काफ़ी खूबसूरत व्यू है। आप ये जंगल काफ़ी मतलब अच्छा है, आपको यहाँ पर टाइम स्पेंड करना चाहिए। हमने तो यहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड किया था, इन खूबसूरतियों को काफ़ी निहारा था और ऐसे ही हम करीब करीब 1 घंटे में हम पहुंच गए थे पांडव गुफा। तो ये देखिए हर जगह यहाँ पर मार्क किए हुए हैं पांडव गुफा के रास्ते के लिए, जैसे यहाँ पे भी मार्क किया हुआ है पत्थर पे। और देखो ये सबसे बड़ा स्टोन है, पत्थर है जो हमें अभी तक मिला है। इसी पत्थर के पास से हम होते हुए जा रहे हैं पांडव गुफा की तरफ। राइट में पांडव गुफा मिलेगा जैसे ही आप सीधा जाओगे, और सीधा आपको लेफ्ट में मिलेगा झरना जहाँ से रिवर नीचे की तरफ आता है। तो ये है पांडव गुफा। आप देख सकते हो यहाँ पे श्रद्धालु आ चुके हैं और पांडव गुफा देख के जाने पर जा रहे हैं। तो ये है पांडव गुफा जहाँ पर पांडवों ने तपस्या की थी, और इसी के साथ में एक है झरना और ये जाके सीधा मिलता है भागीरथी। तो अभी हम जा रहे हैं पांडव गुफा के अंदर, तो मोबाइल से ही शूट कर रहे हैं तो क्योंकि वीडियो अलाउ नहीं है वीडियो शूट करना, और फिर भी हम शूट करके जा रहे हैं। ये देखिए तो ऐसी है भाई अंदर से पांडव गुफा। अभी ये धुनी वगैरह लगा के यहाँ बाबा ने ऊपर से बिल्कुल ये काला हो चुका है, ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है जितने भी पार्ट, वो धुनी की वजह से काला हो चुका है। तो ये था भाई यहाँ के साइड सीन। आपको वीडियो कैसी अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर।